SN Live, सच सबसे आगे। सिवान में घर वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। नगर थाना क्षेत्र के शांतिवट वृक्ष के समीप 4 मार्च की रात दो नौकरों ने कनक मंदिर ज्वेलर्स के मालिक सहित पूरे परिवार को खाना में नशीला पदार्थ खिलाकर 50 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने व्यवसायी प्रशांत पुष्कर उर्फ मीठू बाबू के आवेदन पर प्राथमिकी की थी। प्राथमिकी के बाद एसपी अमितेश कुमार के निर्देश पर नगर थाना इंस्पेक्टर ने दो टीम का गठन किया। एक टीम नेपाल के लिए जबकि दूसरी टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। दोनों टीम मामले की जांच कर छापेमारी भी शुरू कर दी है, लेकिन घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक एक भी आरोपित पुलिस के हाथ नहीं लगा है, ताकि घटना का उद्भेदन हो सके। दिल्ली व नेपाल की कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मामले में नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने बताया कि चोरी के मामले में टीम आरोपितों की गिरफ्तारी में जुटी है। जल्द ही कांड में शामिल सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिवान से सन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।